हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम स्नैपसीड में सीबी एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइस बहुत ही न्यू ट्रिक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी फ़ोटो के स्नैपसीड ऐप में ओपन करनी है। तो हम सेंड के बटन पर क्लिक करके स्नैपसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटो स्नैपसीड में ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद हमें यहाँ पर एडिटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्लाइड करने पर डबल एक्सपोजर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। और इसके बाद हमें ऐड इमेज पे जाना है और यहाँ पे इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है, जिसकी डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी को बढ़ा लेना है 100 पे। अब हमें इसे एडजस्ट कर लेना है, देन राइट क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हमें मास्किंग करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर ऊपर एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू एडिट का जो ऑप्शन है उस पर जाएंगे और यहाँ पर डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके पेंसिल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें वैल्यू को अमाउंट को बढ़ा लेना है फुल 100 पे। अब हमें अपनी बैकग्राउंड पर ब्रश करना है ताकि यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो ऐड हो जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमें ब्रश कर लेना है। तो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड हो चुकी है हमारी। तो अब हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो हमारी जो बैकग्राउंड है वो ऐड हो चुकी है। फिर हम बैक आ जाएंगे। अब हमें फिर से टूल्स पे जाकर के डबल एक्सपोजर पे जाना है और यहाँ पे अपनी शर्ट को कलर करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें ऐड करना होगा एक कलर पैनल। तो इसकी भी डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये रेड कलर पैनल है, तो इसकी ओवरले पे कर देना है हमें इसके इफ़ेक्ट को और उसके बाद राइट क्लिक कर देना है। फिर हमें मास्किंग करनी है, तो उसके लिए सेम हमें व्यू एडिट्स पे जाना है और पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ पे हमें सिर्फ ब्रश करना है अपने क्लॉथ को। तो यहाँ पे जो शर्ट वाला पोर्शन है उस पर हम ब्रश कर देंगे ताकि यहाँ पे रेड कलर में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से कलर हो चुकी है हमारी शर्ट बिल्कुल रेड में, सीबी एडिटिंग वाली कलर आ चुकी है हमारे क्लॉथ्स पे। उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, फिर हम बाइक आएंगे और यहाँ पे और एक कलर को ऐड करेंगे जो बीच में टी शर्ट वाला पोर्शन है उसके लिए। तो फिर हम डबल एक्सपोजर पर जा करके यहाँ पर ऐड करेंगे एक कलर पैनल। तो इसकी भी डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे भी हमें इफेक्ट पर ओवरले पर कर देना है और देन राइट क्लिक कर देना है और फिर सेम हमें वापस आ करके मास्किंग करनी है। तो वीडियोज़ पे जा करके हम मास्किंग करेंगे। तो हमें अमाउंट को 100 रखना है और यहाँ पे अपनी जो टी शर्ट वाली पोर्शन है उस पर ब्रश कर लें। आप देख सकते हैं आपका अगर जैसा भी क्लॉथ्स रहे उसके हिसाब से आप जो कलर करना चाहते हो दोनों में से कर सकते हो। आप चाहे तो पूरा रेड भी कर सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर कलर हो चुकी है, देन हम राइट क्लिक कर देंगे तो हमारी कलर भी हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो स्किन टोन है वो डल लग रहा है, तो उसके लिए हम बाइक आएंगे और यहाँ पे स्किन टोन को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर सेलेक्टिव पे जाएंगे और यहाँ पर से हमें ऐड करनी है अपनी स्किन पे एक सेलेक्टिव और इसके ब्राइटनेस को हमें इंक्रीज़ करना है। तो जहाँ पर भी स्किन पोर्सन है वहाँ पर हम सेलेक्टिव ऐड करेंगे, जैसे हैंड में भी है तो ऐड करेंगे हम और इसके ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। और जो हेयर का ब्राइटनेस है उस पर भी एक सिलेक्टिव ऐड करके उसके हेयर के ब्राइटनेस को थोड़ा डाउन कर देंगे ताकि यहाँ पे थोड़ा ब्लैक इफेक्ट हमारी हेयर में आए। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस हम डाउन कर दिए तो बिल्कुल परफेक्ट कलर टोन यहाँ पे लग रही है। थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस को फेस का, तो अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। हमारा जो सीबी एडिटिंग वाला जो टोन होता है वो हमारी फ़ोटो में आ चुकी है। हम राइट क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे बैकग्राउंड के सैचुरेशन को भी बढ़ा सकते हो ट्यून इमेज पे जा करके, लेकिन मुझे इतना काफ़ी लग रहा है तो मैं इतना छोड़ दूंगा। अब हमें यहाँ पे फिर टूल्स पे जाना है और अपनी हेयर को ऐड करनी है। तो हेयर चेंज करने के लिए हम डबल एक्सपोजर पे जाएंगे और यहाँ पे हमें एक हेयर पीएनजी को ऐड करनी है, जिसकी डाउनलोडिंग आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा करके हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, तो इतना परफेक्ट है। फिर हम इसके ओपेसिटी को फुल 100 कर देंगे, देन हम राइट क्लिक कर देंगे। अब हमें मास्किंग करनी है, तो फिर उसी तरह हम व्यू एडिट्स पे जा करके मास्किंग करेंगे, तो उस पर क्लिक करके हम पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें अमाउंट को 100 कर लेना है, और यहाँ पे ऊपर जो हेयर वाला पोर्शन है उस पर हमें ब्रश करना है, ताकि जो हमारी हमने हेयर पीएनजी ऐड की है वो यहाँ पे ऐड हो सके। तो इसी तरह हमें ब्रश कर देना है। अब यहाँ जहाँ पे हमारा जो हेयर के किनारे ब्लैक ब्लैक आ गया है उसे हमें इरेज करना है, तो अमाउंट को 0 करके यहाँ पे हम इरेज करेंगे। तो अब बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हमारी हेयर जो है वो ऐड हो चुकी है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, तो हमारी फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट रेटिंग हो चुकी है। अब हम इसे डन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलता हूँ गाइज़ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।